ओहो, क्या चल रहा है गाइस? दिस इज रवि बापनी। तो आज हम ड्रॉ करने वाले हैं नेटफ्लिक्स ओरिजिनल बुलबुल का पोस्टर, जो कि कुछ इस प्रकार दिखता है। इसमें एक्ट्रेस का नाम है तृप्ति डिमरी। तो यहाँ मैं आपको एक मेन चीज़ बता दूँ कि हम दोनों में दो चीज़ें कॉमन है। पहला ये कि हम दोनों उत्तराखंड से हैं, और दूसरा वो मेरे घर नहीं आती, मैं उनके घर नहीं जाता। खैर, जोक सपाट, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मटेरियल जो मैंने यूज किया है वो है एवरग्रीन कंपनी की आइवरी शीट। ये A4 साइज में आती है, इसमें 25 शीट्स रहते हैं। ये मैंने लोकल मार्केट से ही खरीदी है। इसका प्राइस था 90 रुपीज़, और ये 210 GSM की है। अगर आप अभी न्यू हैं और बिगनर हैं तो आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा नॉर्मल स्केच बुक ले सकते हैं, जो कि 50 रुपीज़ में आती है। इसमें 40 पेजेस रहते हैं। ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बट इसका GSM शायद 150 to 160 होगा, बट प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने यूज़ की है वो है पेंसिल्स। यहाँ मैंने यूज़ की है आर्ट लाइन की पेंसिल। इसमें 6 पेंसिल्स आती हैं और इसका प्राइस है 50 रुपीज़। अगर आपको ये कहीं मार्केट में नहीं मिलती तो आप इसके बदले यूज़ कर सकते हैं फेवर कासल की पेंसिल। इसका प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, 45 रुपीज़, बट मैं प्रिफर करूँगा आर्ट लाइन की पेंसिल। और मैंने यहाँ स्टेडलाइट इसलिए चूज़ नहीं की है क्योंकि मैं गरीब हूँ। अगला जो मटेरियल मैंने यूज किया है वो है मैकेनिकल पेंसिल आर्ट लाइन की, और इसके साथ ये लीड्स फ्री आती है 0.5 mm, और इसकी प्राइस है 35 रुपये। नेक्स्ट आता है ब्लेंडिंग ब्रश। ये मेकअप ब्रश है और ये वाला है ड्राइंग ब्रश। अगर आपके घर में कोई भी मेकअप यूज करता है तो आप चुपके से चुरा सकते हैं। फर्दर ब्लेंडिंग के लिए मैंने यूज किए हैं ईयरबड्स, और ये है कॉटन, और ये नॉर्मल टिश्यू पेपर। स्मॉल एरियाज के ब्लेंडिंग में काम आते हैं। अगला है अप्सरा का मैकेनो इरेजर। ये फाइन लाइंस बनाने के काम आता है। इसके साथ ये रिफिल भी आती है जो कि खत्म हो चुकी है, इतनी सी बची है बस, बट इसके साथ एक फ्री रिफिल भी आती है। मल्टीपल टाइम यूज करने पे ये अपना शेप लूज कर देती है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं कटर, जिससे आपको फाइन एजेस वापस मिल जाएंगे, तो आप वापस से फाइन लाइंस बना सकते हैं। तो ये बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी, पूरे 20 रुपये की। नेक्स्ट अपने पास हैं एक इरेजर और एक शॉर्पनर। नॉर्मल से हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि आप कभी ऐसा कलर्ड इरेजर ना खरीदें, ये सबसे घटिया इरेजर होते हैं। ये इरेजर खाली दिखने के अच्छे होते हैं, जस्ट लाइक दिस। यहाँ मैं आपको हेयर ड्रॉ करने की टेक्निक बताऊंगा, जिसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ 2B और 6B पेंसिल। सबसे पहले हम 2B पेंसिल से हेयर के डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाएंगे। तो हेयर के बीच में एक हाइलाइटेड एरिया होता है जहाँ पे डायरेक्ट लाइट फॉल होती है, तो उस एरिया में आके हमें अपने स्ट्रोक्स एंड करने, टॉप से भी और बॉटम से भी, एज यू कैन सी। नेक्स्ट हम इस लेयर को ब्लेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए मेकअप ब्रश। फर्दर मैं यूज़ कर रहा हूँ 6B पेंसिल। हम सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे और 6B पेंसिल से भी सेम तरीके से स्ट्रोक्स लगाएंगे।
ब्लेंडिंग के बाद मैं यूज़ करूँगा मैकेनो इरेजर, जिससे हम सेंटर पे हाइलाइट्स देंगे जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट फॉल हो रही है। तो बस सिंपल सी टेक्निक है, इसी टेक्निक का यूज़ करके मैं आपको हेयर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फाइनली हेयर्स ड्रॉ हो चुके हैं जो इस प्रकार लग रहे हैं, एज यू कैन सी। नाउ हम स्टार्ट करेंगे फेस। फेस में सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे आईब्रोज। आईब्रोज को भी हम सेम टेक्निक से ड्रॉ करेंगे। फेस में वन ऑफ द डार्केस्ट पार्ट होता है आईज, तो आईज के लिए हम यूज़ करेंगे 8B। ब्लेंडिंग के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ ईयरबड्स। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप देना चाहूँगा, ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपने कान साफ किया हुआ ईयरबड यूज़ नहीं करना है, उससे आपकी ड्राइंग पीली पड़ सकती है। स्किन टोन बनाने के लिए हमें लेयर्स में काम करना होगा। सबसे पहले हमारी बेसिक लेयर आती है HB पेंसिल से, जो हमारी सबसे बेसिक लेयर होगी। देन हम फर्दर यूज़ करेंगे थोड़ा डार्कर शेड फॉर डार्कर एरियाज 4B, और सबसे डार्केस्ट के लिए हम यूज़ करेंगे 8B। तो बस सिंपली आपको रेफरेंस इमेज को ऑब्जर्व करते जाना है और ड्रॉ करते जाना है। सिंपल। तो यहाँ हम कुछ टिप्स की बात कर लेते हैं। तो पहला टिप ये है कि कभी भी आप हार्ड लाइंस या डार्केस्ट लाइन बनाने की कोशिश ना करें। अगर आप पेंसिल को बहुत ही प्रेशर के साथ अप्लाई करते हैं तो वो ओवरऑल पोर्ट्रेट में अलग से ऑब्जर्व होता है। सेकेंडली, आपका आउटलाइन जो है वो बहुत ही स्मूथ होना चाहिए। कभी भी उसमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने आउटलाइन ड्रॉ कर रखी है पेंसिल से। कहीं कहीं पे क्या होता है कि आपने पोर्ट्रेट तो अच्छा बनाया है, बट आपके पोर्ट्रेट में हमें आउटलाइंस दिखती हैं जो ऐसा दिखता है कि अलग से पेंसिल से बनाई गई हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। थर्ड, हमेशा लेयर्स में काम करो। अगर आपको कोई चीज़ बहुत ही डार्क बनानी है तो उसमें लेयर्स चढ़ाते जाओ। ये नहीं कि आप सबसे डार्केस्ट पेंसिल लेके उसको घिसे जा रहे हैं, उससे काफ़ी ड्राइंग अजीब सी दिखती है। लास्टली, अपने स्किल्स पर काम करो। आपके स्किल्स ही मैटर करते हैं। अगर आपके पास एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं हैं और आपके पास स्किल्स हैं, तब भी आप एक बहुत बेहतरीन पोर्ट्रेट बना सकते हैं। अगर आप ये सारी टिप्स फॉलो करते हैं तो आपको अपनी ड्राइंग में जरूर इम्प्रूवमेंट दिखेगा। नहीं, मैं नहीं मानता। अरे, नाना जी टांग। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मज़ा आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।